हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन कस्टमर के बारे में जिनका बजट है 12,000 रुपीज, और वो लोग उसी बजट में एक बेस्ट स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं जिसमें उनको एक अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, साथ में अच्छा कैमरा और एक गेमिंग प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा। मैं ऐसे ही कुछ स्मार्टफोन आपको आज रेकमेंड करने वाला हूँ जिनमें आपको ये सब फीचर्स देखने को मिल जाएगा। जानने के लिए कौन सा है वो स्मार्टफोन, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को क्लिक करो ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट पे हमारा जो फिफ्थ नंबर पे जो स्मार्टफोन आया है वो एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन जो कि माइक्रोमैक्स की तरफ से, जो कि माइक्रोमैक्स इन1। सो फ्रेंड्स, आपको अगर एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस फोन को ऑब्वियसली परचेस कर सकते हो अंडर 12,000 में। हम अगर इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, इसमें जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है वो है मीडियाटेक की तरफ से, जो कि मीडियाटेक का हीलियो G80, और इसमें आपको रैम और स्टोरेज देखने को मिल जाएगा 6GB और 128GB अंडर 12,000 में। और फ्रेंड्स, आपको इसका जो रियर कैमरा है वो 14MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, साथ में 2MP डेप्थ के लिए और 2MP मैक्रो के लिए देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट में हम अगर बात करें इस फोन की फ्रंट कैमरा के बारे में, इसमें आपको 8MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। हम अगर इस फोन की बैटरी के बारे में बात करें, इसमें आपको 5000mAh की बी बैटरी देखने को मिलेगा जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और इसमें आपको टाइप सी का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट में हम अगर इस फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करें, इसमें आपको 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और पीछे की तरफ एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस लिस्ट पे हमारा जो फोर्थ नंबर पे जो स्मार्टफोन आया है वो है सैमसंग की तरफ से, जो कि सैमसंग गैलेक्सी M21। तो फ्रेंड्स, आपको अगर एक सैमसंग का फोन परचेस करना है अंडर 12,000 में, ये जो स्मार्टफोन है आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो हम अगर इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, इसमें जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है वो एक्जीनोस की तरफ से, जो कि एक्जीनोस 9601। और फ्रेंड्स, इसमें आपको रैम और स्टोरेज देखने को मिलेगा, 4GB का रैम और 64GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। साथ में हम अगर इस फोन के रियर कैमरा की बात करें, इसमें आपको 48MP का प्राइमरी कैमरा, साथ में 8MP का मैक्रो के लिए और 5MP का डेप्थ के लिए देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट में हम अगर इस फोन की फ्रंट कैमरा की बात करें, इसमें 20MP का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो बैटरी है फ्रेंड्स, आपको इसमें 6000mAh की बिग बैटरी देखने को मिल जाएगा, जो कि सपोर्ट करता है 15W की फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि आता है टाइप सी पोर्ट के साथ। और फ्रेंड्स, हम अगर इस फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करें, इसमें आपको 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और कोई भी हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, और आपको पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो फोन बहुत ही अच्छा है, सैमसंग का फोन है, अंडर 12,000 में आप इस फोन को ऑब्वियसली कंसिडर कर सकते हो। इस लिस्ट में हमारा जो थर्ड नंबर पे जो स्मार्टफोन आया है वो है रियलमी की तरफ से, जो कि रियलमी नार्जो 20 प्रो। सो फ्रेंड्स, आपको अगर एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसको आप जल्दी चार्ज कर सको तो ये जो स्मार्टफोन है आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको 65W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, हम अगर इस फोन की और कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, इसमें आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो मीडियाटेक की तरफ से, जो कि मीडियाटेक का हीलियो G95। और फ्रेंड्स, इसमें आपको 6GB की रैम और 64GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट में हम अगर इस फोन की रियर कैमरा की बात करें, इसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा, साथ में 8MP वाइड एंगल के लिए, साथ में 2MP मैक्रो और 2MP डेप्थ के लिए देखने को मिल जाएगा। इसका जो फ्रंट कैमरा है फ्रेंड्स, वो 16MP का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। हम अगर इस फोन की बैटरी के बारे में बात करें, इसमें 5000mAh की एक बिग बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि आता है 65W की फास्ट चार्जिंग के साथ, और ये जो फोन है टाइप सी पोर्ट के साथ भी आता है। और फ्रेंड्स, हम अगर इस फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करें, इसमें 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आता है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और आपको इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो फोन बहुत ही अच्छा है, आपको 65W की फास्ट चार्जिंग मिल जाता है, और आपको हीलियो की तरफ से G95 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल आप इस फोन को अंडर 12,000 में कंसीडर कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस लिस्ट पे हमारा जो सेकंड नंबर पे जो स्मार्टफोन आया है वो है मोटो की तरफ से, जो कि मोटो G30। सो फ्रेंड्स, हम अगर इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, इसमें जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है वो है स्नैपड्रैगन की तरफ से, जो कि स्नैपड्रैगन 662। और फ्रेंड्स, हम अगर इस फोन की रैम और स्टोरेज की बात करें, इसमें आपको 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट में हम अगर इस फोन की रियर कैमरा की बात करें, इसमें आपको जो पीछे की तरफ 64MP प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा, साथ में 8MP वाइड एंगल के लिए, साथ में 2MP मैक्रो के लिए और 2MP डेप्थ के लिए देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट में हम अगर इस फोन की फ्रंट कैमरा की बात करें, इसमें आपको 13MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसका जो बैटरी है फ्रेंड्स, आपको इसमें 5000mAh की बिग बैटरी देखने को मिल जाएगा, जो कि आता है 20W के फास्ट चार्जिंग के साथ, और ये टाइप सी को भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट में हम अगर इस फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करें, इसमें 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि आता है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, और इसमें आपको पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस भी देखने को। ओवरऑल देखा जाए तो फोन बहुत ही अच्छा है, आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड का फोन मिल रहा है अंडर 12,000 में, साथ में 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली आप इस फोन को अंडर 12,000 में कंसिडर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट में हमारा जो पहला नंबर पे जो स्मार्टफोन आया है वो रेडमी की तरफ से, जो कि
सामग्री इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, इसमें जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है वो स्नैपड्रैगन की तरफ से, जो कि स्नैपड्रैगन 678। और फ्रेंड्स इसका जो रैम और स्टोरेज है वो 4GB का रैम और 64GB का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट में हमारे इस फोन की रियर कैमरा की बात करें, इसमें आपको 48MP का प्राइमरी कैमरा, साथ में 8MP का वाइड एंगल के लिए, साथ में 2-2MP का डेप्थ और मैक्रो के लिए देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स हमारे इस फोन की फ्रंट कैमरा की बात करें, इसमें आपको 30MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जो कि डिस्टेंट सेल्फी क्लिक करता है। और फ्रेंड्स हमारे इस फोन की बैटरी के बारे में बात करें, इसमें आपको 5000mAh की बिग बैटरी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 33W की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको टाइप सी का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और फिर सामने इस फोन की डिस्प्ले के बारे में बात करें, इसमें आपको 6.43 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, ये भी एक बहुत ही अच्छा बात बन जाता है। साथ में 120Hz के रिफ्रेश रेट और क्या चाहिए फ्रेंड्स अंडर 12,000 में। और इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स आपको अगर एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन परचेस करना है अंडर 12,000 में, तो आप इसके तरफ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स यही भी हमारा सारे स्मार्टफोन का लिस्ट खत्म हो गया है। आपको अगर इनमें से कोई भी स्मार्टफोन परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू जाके आप परचेस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को क्लिक करो ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।